ओके बच्चों, तो हम पत्ते की जो संरचना है उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। ये पीपल का पत्ता है और इसकी हम विभिन्न संरचना को जानेंगे कि इसका ये भाग कौन सा है और इसमें भी छोटी छोटी संरचना है, तो इनके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पर्णग्रंथ। क्या बोलते हैं इसको? पर्णग्रंथ, है ना। और इसमें ये बीच में ये जो ये वाली संरचना है, इसको क्या बोलते हैं? मध्यस्थ। ये क्या है? मध्यस्थ। और फिर यहाँ पर ये देखो, ये एक छोटी छोटी सी संरचना निकल रही है, इनको क्या बोलते हैं? ये सिरा है, ठीक है, ये सिरा है। ओके, तो अगर हम इसको अपनी कॉपी में छापेंगे तो हमें ये एक एक भाग भी क्या है, स्पष्ट रूप से दिखेगा, है ना। चलिए, इसको मैं आप बना के बताता हूँ। जैसे यहाँ पर एक पेज लेते हैं हम, इस पेज में हम इस पूरी संरचना को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसकी संरचना को बनाते हैं, देखिए, बातें नहीं। बच्चों देखिए, ये इसमें पत्ते की प्रत्येक संरचना है वो छप गई है, और हम इसके भागों के नाम भी हम यहाँ लिख सकते हैं। ये है, जैसे ये वाला भाग है वो है पर्णग्रंथ, और ये वाला भाग है इसको बोलते हैं मध्य शिरा, और ये जो छोटी छोटी संरचनाएं हमें दिखाई दे रही हैं इनको बोलते हैं हम सिरा, ठीक है। और ये चित्र किसका है? ये है पत्ती का चित्र। किसका चित्र है? पत्ती का चित्र है, ठीक है। इस प्रकार से हम प्रत्येक संरचना को समझ सकते हैं। ओके,